अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, विली जरीबा कुकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं तंदूरी चिकन बनाने जा रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज इसमें क्या क्या लगेगा वो बताती हूँ मैं। तंदूरी चिकन मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए, चिकन में मैंने जीरा लगा दिया है, 2.5 किलो चिकन लिया है मैंने। ये दो बड़ी चम्मच से मैंने जीरा गुल के लिया है। 1 बड़ी चम्मच मिर्चा पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। नमक स्वाद अनुसार से डालेंगे, अपने हिसाब से डालें। गरम मसाला लिया है मैंने 1 चम्मच, और ये फूड कलर लिया है मैंने। फूड कलर इसलिए डालते ताकि इसका खूबसूरती उसी में है। और ये 250 ग्राम मेरा दही है। चलिए देखते हैं, प्रोसेस करते हैं। एक मैंने गमला ले लिया है, इसमें सारे मसाले मिलाऊंगी मैं। तो सबसे पहले हम दही डालेंगे। दही डाल दिया मैंने। ये जीरा गोलकी का मसाला है, भुना हुआ जीरा गोलकी का पाउडर है ये। ये मिर्चा पाउडर है, इसे डाल लिया पूरा। ये हल्दी पाउडर है 1 चम्मच। ये नमक मैंने अपने हिसाब से निकाला है, 2.5 किलो के हिसाब से। ये है गरम मसाला। अगर आपको डालना है, गरम मसाला इसलिए डालते हैं ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है गरम मसाला से। बहुत लोगों को गरम मसाला नहीं पसंद रहता है, थोड़ा बहुत डालते हैं, मैं लेकिन अपने हिसाब से डालती हूँ। और ये फूड कलर है, देखिए ये फूड कलर है, मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये नींबू, आधा कटा हुआ नींबू है, इसका रस को पूरा निचोड़ देंगे इस पर। और एक ढक्कन विनेगर ये डाल दे आप। उसके बाद अब अपने हाथों से मिला लें। बहुत टेस्टी लगता है ये फ्रेंड्स, आप अपने शाम के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये, इसमें क्योंकि ज़्यादा मिर्च नहीं रहता ना, बच्चे भी शौक से खाते हैं। इसे आप अच्छे से मिला लें। देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको मिला के 5 मिनट रख दिया था। अब हम इसमें अपने चिकन पे इसमें मैरिनेट करेंगे। अब देखिए, ये चिकन मैंने ले लिया है, एक एक करके इसमें जो मैंने चीरा लगाया है इसको अंदर अंदर अच्छे तरीके से भर देंगे, अच्छे तरीके से स्टफिंग कर देंगे इसका। बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए मैंने इसको स्टफ कर दिया अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आप। बाकी सब भी हम ऐसी स्टफ कर देंगे पूरा इसको, चीरे के अंदर अच्छे से भरे ताकि मसाला पूरा अंदर अच्छे से घुसे। देखिए बाकी सब हम इसी तरह से स्टफ कर देंगे इसके मसाले को। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मैरिनेट करके रख लिया है, इस पर पूरा मसाला मिला दिया है मैंने गोश्त पे।
अब इसको मैं एक दो घंटे के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट के लिए, उसके बाद हम अपना फ्राई करेंगे चिकन को। फ्रेंड्स मैं भूल गई थी ऑयल डालने के लिए, तो हम थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फिर सारा ऑयल को मिला देंगे इस पर। अब हम इसे रेस्ट के लिए एक से दो घंटा छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम कुछ चटपटी सी चटनी बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं अपने चिकन के लिए। तो मैं चटनी के लिए क्या क्या ले रही हूँ, मैं 2 चम्मच दही, 2 बड़े चम्मच से दही, ये है मेरा 4 से 5 दाना हरी मिर्च का, हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पत्ती। और हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, देखिए नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरा इसको ग्राइंड कर लिया है, इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे अपने चिकन के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए हम चिकन अब छानते हैं, 2 घंटा हमारा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, अब हम अपना चिकन को छानेंगे। तो मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल डाल दिए। अब हम इसे थोड़ा गरम कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके छानेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम अपना चिकन फ्राई करेंगे। मैंने चिकन डाल दिया है, अभी इसे 2 मिनट के लिए सेटल होने देंगे, उसके बाद पलटी करेंगे, ठीक है। बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, आप भी जरूर बनाएं अपने घरों पर। हमारे घर में ज़्यादातर लोग नॉनवेज ही खाते हैं, चिकन या मटन, तो हमारे घर में हमेशा बनते रहता है ये वाला आइटम। तो आज मैंने सोचा मेरे बच्चों को बहुत खाने का दिन था, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं आज चिकन। देखिए एकदम धीमी धीमी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लगेगा खाने में, आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाएं। देखिए 2 मिनट के लिए सेटल करने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद पलटे करेंगे, ठीक है। अब हम इसे पलटे करेंगे, देखिए चिकन मेरा फ्राई हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप कितना लजीज दिख रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
फ्रेंड्स, मेरा चिकन मुर्ग मुसल्लम बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे अच्छे अच्छे कमेंट करें मुझे, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।